मेरे बच्चों, क्योंकि आज हमारे बच्चे सबसे ज्यादा यहां है, मैं उनको ये जरूर कहना चाहूंगा, जरूरी नहीं है कि हम वर्दी पहने, जरूरी नहीं है कि हम फौज में जाए, जहां भी हैं जैसे भी हैं, अगर हाथ में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का तिरंगा झंडा पकड़ करके हमने ये कह दिया मेरा धर्म भारत माँ, मेरी जात वंदे मातरम, मैं जब भी बड़ा हूंगा किसी ना किसी रूप पे इस मातृभूमि की रक्षा करूंगा, इस मातृभूमि की सेवा करूंगा। नानू भाई जी सामने हैं जिन्होंने जिम्मेदारी उठाई है, पूरे देश के अंदर पूरी दुनिया के अंदर एक मरुति जवान ट्रस्ट एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो सूरत की धरती के अंदर तैयार खड़े रहते हैं हमेशा शहीद परिवारों के लिए। भगवान कृपा करे हमारी किसी बहन का सुहाग ना उजड़े, हमारा को बच्चा यतीम ना हो, खून की नदियां ना बहे, पर कभी मातृभूमि की रक्षा के लिए कोई शहीद होता है तो इस सूरत की धरती उन परिवारों को अपने गले में लगाने के लिए उनके बच्चों के लिए तैयार खड़ी है, ये वो धरती है। हमें एक मन के अंदर एक सोच करनी है कि जब भी बड़े होंगे हमारा मकसद क्या होगा। हमारा मकसद प्रथम राष्ट्र होगा। हमारा एक स्टूडेंट दोस्त था, वो आतंकवाद के खिलाफ बोला करता था, उसका नाम था राजेश कुमार। हमने उसको बड़ा कहा तुम कम बोला करो, किसी गांव में रहता था, पर नहीं, उसके अंदर आपकी तरह एक जज्बा था राष्ट्र के लिए, मातृभूमि की सेवा के लिए। आतंकवादी आते हैं उसके घर में, उसका भाई उसके साथ होता है, उसकी पत्नी उसके पास होती है, उसकी पत्नी में 6 महीने का बच्चा होता है। जब हमारे दोस्त को गोली मारने लगते हैं उसका भाई सामने आके खड़ा हो जाता है, उसके सीने पे गोलियां चलती हैं, फिर उस भाई के गोलियां चलती हैं, फिर वो महान औरत जब कहती है मेरा देवर भी चला गया, मेरा पति भी चला गया, जिसके पेट में 6 महीने का बच्चा है, अपने ऊपर मिट्टी का तेल लेकर के इस राष्ट्र के लिए कुर्बान हो जाती है। ये जज्बा वहां उस आतंकवाद की लड़ाई का था। आज पंजाब आजाद हुआ, आज पंजाब में खालिस्तान बनने वाला सपना खत्म हुआ, और उसके बाद आज कश्मीर की वो समस्या खत्म हुई। रोज कश्मीर के चर्चा होती थी, आज इतने जवान शहीद हुए, कल उतने जवान शहीद हुए, पर आज एक नया सपना पूरा होगा। आपके फ्यूचर के लिए, आपके राष्ट्र के लिए मैं दावे से कहता हूं, जो हिंदुस्तान के फौज के जर्नैल ने कहा कि हम ऑक्यूपाई कश्मीर भी लेके रहेंगे, अगला मिशन ये होगा, कश्मीर तो हमारे पास है जो पाकिस्तान ने कब्जा किया हुआ है, आने वाले सालों के अंदर वो भी पीओके भी आपके पास होगा।